दोस्तों, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जहां इस सीरीज से पहले ही दोनों टीमों को बड़ा झटका लग चुका है। ऐसे में जहां इंग्लैंड दौरे के लिए पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह दी गई थी, ऐसे में उनको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 31 जुलाई को ये दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में जहां सूर्य कुमार यादव को पहली बार टेस्ट टीम के लिए चुना गया है, ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड में एंट्री एक विशेष नियम के तहत मिलने जा रही है। हालांकि 21 जुलाई को एंट्री मिलने के बावजूद पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को अभी भी 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इस वजह से दोनों ही खिलाड़ी शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहेंगे। दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी 2 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जहां श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम अपने देश लौट आई है, जहां भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को छोड़कर सभी खिलाड़ी बेंगलोर पहुंच चुके हैं। हालांकि कुणाल पांड्या के पॉजिटिव आने के बाद कुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल और के गौतम को कुछ दिनों के लिए श्रीलंका में ही गुजारना होगा। ऐसे में दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इंग्लैंड टीम को लग चुका है बड़ा झटका। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनिश्चितकाल तक के लिए ब्रेक ले लिया है और बेन स्टोक्स का अब ये पता नहीं है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में कब वापसी करेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी कंफर्मेशन करके ट्वीट हैंडल पर इसकी जानकारी दी है और ऐसे में अब वो भारतीय टीम के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। और ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि बेन स्टोक्स ने अपनी मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपनी बाएं हाथ की उंगली को आराम देने के लिए ये फैसला किया है और उनकी उंगली में ये चोट आईपीएल के दौरान लगी थी, जिसकी सर्जरी भी की गई थी। ऐसे में बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रेक के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है और बेन स्टोक्स की जगह भारतीय दौरे पर क्रिंग ओवरटन को उनकी टीम में शामिल किया गया है। और ऐसे में भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसे में दोस्तों, अब आप अपनी कीमती राय में कमेंट में बताएं कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को उनके घर में धूल चटा पाएगी कि नहीं। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।